सुशी लाल। हाँ भैया। गुरु कितने साल से तुम जलेबी बना रहे हो? अरे 20 साल से भैया। लेकिन आज तक सीधी नहीं बना पाए। हाँ? सीधी बनाओ सीधी। आईया। कुछ नहीं आता है, आई बस। चलो यार चलो भैया, तो पहुंच गए आप सगल है। बढ़िया आराम से गुड्डू, आराम से यार, आराम चलो ना यार। अरे भाई साहब, भाई साहब रुक रुक भैया, रुक 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 भाई साहब, एक मिनट एक मिनट। लो भैया धन्यवाद, जा 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 जा, चलो जा जा जा। भाई साहब, भाई साहब माफ करिएगा। गुरु हम माफ नहीं करते, डीपली घुस के साफ कर देते हैं, समझे? वैसे गुड्डू ये हमसे माफी क्यों मांग रहा है यार, हमने इसके साथ ऐसा क्या किया है? नहीं नहीं भाई साहब, मैं वैसी माफी नहीं मांग रहा हूँ। तो फिर कैसी माफी मांग रहे हो? देखिए भाई साहब, मेरा मतलब है कि मैं आपको थोड़ी सी तकलीफ देना चाहता हूँ। तकलीफ? इधर से लो, क्या तकलीफ दोगे तुम्हें? मेरा मतलब ये है कि मैं आप लोगों का थोड़ा सा समय लूंगा, बस। समय? अबे यार गुड्डू यार, ये लापतागंज के लोगों को क्या हो गया यार, है हम इतना फ्री लगते क्या उनको यार? नहीं भैया बिल्कुल नहीं, आपके पास टाइम कहाँ है? हा? अरे भाई साहब, बीजी पांडे नाम है इनका, ला कर रहे हैं ला, समझे आप? ये कहना क्या चाहता भाई? हाँ हम कर रहे हैं ला, हम कर रहे हैं। अरे तो? इनके पास तो जहर खाने का भी टाइम नहीं है, वरना ला में 10 बार फेल हो चुके हैं। कब का जहर खा चुके होते संजय आप? गुड्डू पागल पागल हो गया क्या? उसके सामने कहने क्या जरूरत है कि ला में पीएचडी कर रहे फेल हो गए? सॉरी भैया, टंग ऑफ स्लिप। अबे यार तुम क्या है? देखिए मेरा मतलब है कि मैं आप लोगों को कुछ देना चाहता हूँ। क्या क्या देना चाहते हो? लोन, कर्जा, उधार, पैसा? एक बात बताऊं, तुमको हम क्या तुम्हारे दामाद लगते हैं? सोचो जरा। नहीं। अच्छा तो क्या हम तुम्हें लोन चुकाने वाले लगते हैं? बिल्कुल नहीं। अबे तो क्या तुम्हारे पापा चल बसे ऊपर और पूरा पेड़ झाड़ पैसों का लगा के तुमको छोड़ के लेके चले गए जो तुम हमको दोगे? चक्कर क्या बे? अरे लोन मैं नहीं दूंगा भाई साहब, लोन हमारा बैंक देगा। लेना बैंक, लेते रहो, विश्वास का एक ही नाम, जिंदगी के आगे आगे, जिंदगी के पीछे पीछे। देखिए होम लोन, शादी लोन, स्कूटर लोन, एसी लोन, कार लोन, ऐसा लोन वैसा लोन, जैसे को तैसा लोन, लोन ही लोन, जैसा चाहो वैसा लोन ले लो भाई साहब, बस एक बार लोन ले लो। क्या फ्लो है भैया, क्या फ्लो है। पापा कसम बता रहे यार, एकदम बिल्कुल डीपली घुस जाते हो यार तुम। एक बार बोलो। थैंक यू। ऐसा लोन वैसा लोन, जैसे को तैसा लोन, लोन ही लोन, लोन का मेला, बस भाई साहब एक बार लोन ले लो प्लीज। एक सेकंड रुको गुड्डू। हाँ भैया। ये कर्जा दे रहा है या हमसे ले रहा है? अरे भैया आजकल लोन देने वाले रिक्वेस्ट करते हैं, लेने वाले नहीं। एक काम कीजिए, आप ले लीजिए। लेकिन यार किसके लिए ले? एजुकेशनल, एजुकेशनल लोन ले लो। अबे यार गुड्डू क्या कह रहा है यार ये, अब हम एजुकेशन के लिए भी लोन लेना पड़ेगा यार। अबे छोड़ो यार, हमें नहीं चाहिए। ठीक है, आपको लोन नहीं चाहिए तो आपका कोई दोस्त होगा जिसे आप कर्जदार बनाना चाहते हो, उसका पता ठिकाना प्लीज। भैया देखिए ना, बहुत घुस के रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज भाई साहब प्लीज उसका पता ठिकाना बता दीजिए। यार किस दोस्त को कर्जे के तले दबाएं? हंसते हंसते कट जाए रास्ते, जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले या हम बदलेंगे नाम। ए जी। ओ जी। लेटे लेटे अलसियाए काहे हैं? जाके राशन लेकर आओ ना, घर में दाल चावल मसाला कुछ भी नहीं है। हिंदू मती 28 तारीख है, महीने के आखिरी दिन थोड़े मुश्किल होते हैं, ये हफ्ता चला लो, अगले हफ्ते डलवा देंगे राशन। अरे नगद लाने के लिए कौन कह रहा है, उधार ले आओ ना, थोड़ा थोड़ा करके हर हफ्ते बनिए को लौटा देंगे। और जब तक नहीं लौटा पाएंगे तब तक उसे नजर भी नहीं मिला पाएंगे। जे का बात हुई, 2-400 की तो बात है। हिंदू मती उधार चाहे 100 रुपए का हो चाहे 1000 रुपए का, उधार लेने का मतलब है रातों की नींद उड़ाना और हम चैन से घोड़े बेच के सोना चाहते हैं। हाय दैया, सोने के लिए घोड़े काहे बेचना? वो ठाकुर का लड़का है ना, उसने तो कर्जा लेके घोड़े खरीदे हैं और फिर चैन से सो रहा है। अरे उसने तो बैंक से लोन लेके खरीदा है। हाँ तो तुम बैंक से लोन ना ही ले सकते हो का? राशन लाने के लिए। आपका भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए। हाँ ए जी। तो जी कहाँ है भैंस और कौन बीन बजा रहा है? तुमसे तो बात करना ना कसम से, हम उधार नहीं लेंगे बस। ए जी। ओ जी कहाँ जा रहे हैं? झन्नुम में। ए जी। ओ जी लौट।
लौटते वक्त राशन ले आना और 1/2 किलो टमाटर भी। ये उधार लेने में इतना शर्माते काहे है? शर्म कैसी? भाई हम शर्मा नहीं रहे हैं, हम सोच रहे हैं। ऐसे सोचते हैं आप? अब कभी कभी लोग ऐसे सोचते भी हैं। हमने तो आज तक ऐसे नहीं सोचा। कुछ लोग ऐसे नहीं भी सोचते हैं। अब सोच क्या रहे हैं, लोन ले लीजिए ना। वही तो सोच रहे हैं कि लोन काहे के लिए ले, घर के लिए ले लें। अरे ये घर में नहीं रहते, बाहर रहते हैं। तो बाहर कहीं आने जाने के लिए ले ले। ये आते जाते नहीं, ये प्रकट हो जाते हैं। ये देखो होगा लड़की की शादी के लिए ले लीजिए। इनकी पहले अपनी तो शादी हो। अरे तो अपनी शादी के लिए लोन ले लीजिए ना। शादी किससे करेंगे, लोन से? अरे उसके लिए तो एक तो लड़की चाहिए ना। कछुआ चाचा, अपने ख्यालों पर लगाम लगाइए। आपकी उम्र में आपको लड़की नहीं मिलेगी, महिला मिलेगी, वो भी एक्सपायरी डेट वाली। गुरु इनको जो है महिला दे दो लोन में। भाई साहब ऐसी कोई स्कीम नहीं है। हाँ तो हमको लोन का आवश्यकता नहीं है। भाई साहब लोन ले लीजिए, पड़ा रहेगा तो आवश्यकता भी बनी आएगी। अच्छा? हाँ कछुआ चाचा, अगर आपके पास लोन का पैसा होगा ना तो आप हरा भरा फील कीजिएगा। उससे क्या होगा चाचा, कोई काम धंधा शुरू कर सकेंगे आप। उससे क्या होगा? अरे भाई उससे आप खूब सारे पैसे कमाइएगा। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि फिर आगे आपको लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से पैर फैला के बैठिएगा। ऐसे? अरे हाँ बिल्कुल ऐसे। क्या बात है, ये तो अभी भी बैठे हैं। भैया 1 किलो चने की दाल दे दो।